दोस्तों, समर स्लैम के लिए अब बेहद ही कम वक्त बचा है और ऐसे में WWE अपनी पूरी तैयारी समर स्लैम के लिए कर रही है और ऐसे में हमें समर स्लैम का यह PPV बेहद ही शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलने वाला है द ट्राइबल कॉम्बैट मैच रोमन रेंस और उनके ब्रदर जेउसो के बीच WWE की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और साथ ही दांव पर लगी होगी द ट्राइबल चीफ की पदवी। तो ऐसे में ये एपिसोड बेहद ही शानदार होने वाला है और साथ ही हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इस मुकाबले के दौरान कौन से तीन सुपरस्टार है वो दखलअंदाजी कर सकते हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है और जिनका नाम मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा उछल रहा है, वो है द पीपल्स चैंप द रॉक, क्योंकि द रॉक के समरस्लैम में वापसी करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और इसके र्यूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और द रॉक के बीच WWE का एक ड्रीम मुकाबला देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर द रॉक है वे इस मुकाबले के दौरान इंटरफेयर करके अपने ब्रदर्स द उसोज का साथ निभा सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं द उसोज के फादर रिकिशी। रिकिशी का नाम इस मुकाबले के साथ इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि द उसोज ने खुद बताया था कि ट्राइबल कॉम्बैट का ये मुकाबला उनके परिवार के बड़े बुजुर्गों के कहने पर बुक किया गया है और ऐसे में हो सकता है WWE इस मुकाबले को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए रिकिशी का रिटर्न करा सकती है, जो अपने बेटों के फेवर में समरस्लैम के दौरान खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर रिकिशी की वापसी WWE में देखने को मिले इस मुकाबले के दौरान तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सोलो सिकुआ फिलहाल रोमन रेंस के साथ खड़े हैं, तब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तब भी सोलो सिकुआ रोमन रेंस के साथ खड़े होंगे या फिर अपने ब्रदर और अपने फादर के साथ उनकी टीम में खड़े होंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सोलो सिकुआ क्या करने वाले हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं जिमी उसो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिकुआ के अटैक के कारण पिछले कुछ समय पहले जिमी उसो इंजर्ड हो चुके थे और वे हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे। हालांकि इसके बाद जिमी उसो की इंजरी पर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट हमारे सामने नहीं आई और ऐसे में हमें समरस्लैम में जिमी उसो की सरप्राइज एंट्री है इस मुकाबले के दौरान इंटरफेयर के रूप में देखने को मिल सकती है और उनकी इसी इंटरफेयर के कारण रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।